भाई बहुत ज़्यादा होती है, इसके जरिए आप सेफ रहेगा, उसके लिए हमें थोड़ा बताएंगे। देखिए, हमने ये इनिशिएटिव 2008 में शुरू किया था, क्योंकि हम एज अ कंपनी बहुत चिंतित थे इसके बारे में कि टाइगर के नंबर बहुत कम हो जा रहे हैं इंडिया में। उस टाइम एक सेंचुरी पहले इंडिया में 40,000 टाइगर्स होते थे, 2008 में 1411 थे। तो हमने ये पूरा इनिशिएटिव शुरू किया था, 1411 जो कैंपेन था, कि 6 साल के बाद अभी 1700 टाइगर्स हो गए इंडिया में। और SL को इसके बारे में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी कि हमें इसके लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए, टाइगर्स नंबर्स को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे खाली टाइगर्स टेक्स्ट बुक्स पे देख पाएंगे, कभी जंगल भी नहीं देख पाएंगे। देश के अंदर ऐसी कितनी मुहिम चला रखी है आपने, किस किस जगह चला रखी है टाइगर के ऊपर? हमारे दो प्रोजेक्ट्स ऐसे फिलहाल चल रहे हैं, एक साउथ में जो है अन्नमलाय सत्यमंगलम में कोयम्बटूर के पास के फॉरेस्ट में है, और एक हमारा चल रहा है दुधवा में। और पिछले साल हमारे करीब 39 प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारा इंटरवेंशन हुआ था, जब हमने ये NDTV के साथ एक किया था कैंपेन, जहां से पैसे इकट्ठा करके हमने इस जो आप ये सेफ टाइगर लिए चल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट से भी आपने कोई बात करी है सपोर्ट के लिए? अपने NGOs के थ्रू हम करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं करते गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे NGOs जो हैं, और हमारा एक किड्स फॉर टाइगर्स प्रोग्राम है, हम उनके थ्रू हम चीफ मिनिस्टर वगैरह को मिलते हैं, और फिर हम उनके साथ जो भी फैसला लेना पड़ता है NGOs के जो रूलिंग के नीचे आता है उसी के थ्रू हम करते हैं।